हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में आपको बस टोपोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें कि एक चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाया था, जैसे कि एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल दूंगा दोस्त। और आपको पहले आज मैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताऊँगा। जैसा कि देख रहे हैं, ये देखें स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ थोड़ा सा, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि जो एक्टिव डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं दोस्त, जिस डिवाइस को हमें बाह्य पावर मतलब बाहरी पावर की ज़रूरत पड़ता है, और वो पावर को लेके वो क्या करता है, किसी सिग्नल को बूस्ट कर सकता है। मतलब बाह्य पावर उसको चाहिए और वो सिग्नल को बूस्ट कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त, एक्टिव कंपोनेंट। जैसे में डायोड हो गया, डायोड क्या करता है, हमारे एसी को लेके वो डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब उसको कंपोनेंट को वर्क करने के लिए हमें एसी इनपुट चाहिए, और उसको ओ आउट में भी या तो सिग्नल को बूस्ट करेगा या कुछ न कुछ वो क्या है अपना काम करेगा, या तो एसी से डीसी बनाएगा या डीसी से एसी बनाएगा। तो ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं या ऐसे डिवाइस होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्त हम एक्टिव डिवाइस। लेकिन हम नेटवर्क की भाषा में इसको सीख रहे हैं, तो हम एक्टिव डिवाइस उसी को बोलेंगे जो किसी भी सिग्नल को बूस्ट कर देता हो। और पैसिव डिवाइस ये सिग्नल को बूस्ट नहीं करता है दोस्त, जितना आया उतना ही भेज दिया। इसको चलाने के लिए कोई बाहरी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे एक हमारा स्विच हो गया, देखते होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए एक हमें 220 220 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। लेकिन जो होते हैं पैसिव डिवाइस, जैसे हब पहले आते थे, उनमें हमें पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यही होता है दोस्त एक्टिव और पैसिव। आइए आज हम आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी बताने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरे पास जो स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट देखिए दोस्त, स्टार टोपोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, स्टार मतलब स्टार। बचपन में आप बुक में पढ़े होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार मतलब तारा। तो कभी भी लाइन का कनेक्शन अगर आप एक तारे के रूप में, तारे के डायग्राम जैसा अगर करते हैं और केबलिंग का लेआउट उसी तरह का करते हैं, तो हम उसको आई जस्ट लाइक क्या बोलेंगे दोस्त, स्टार टोपोलॉजी। और कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी। अगर हमारा कनेक्शन का लेआउट स्टार की तरह हो, जो हम कंप्यूटर लगा रहे हैं, जो हमारे पास 10 या 20 कंप्यूटर है, उसका हमने अरेंजमेंट स्टार की तरह कर लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी। जैसे देखें ये लिखा, ये पैसिव हब। अभी मैं बताया ना आपको कि पहले हब आता था, अभी स्विच आ रहा है दोस्त। तो हब को क्या है, पावर देने की जरूरत नहीं थी। ये क्या हो सकता है, एक पैसिव डिवाइस है। इसलिए ये पैसिव हब सच ए वायर पैनल और पंच डाउन ब्लॉक्स एक्ट्स एज ए कनेक्शन पॉइंट एंड डज नॉट एम्पलीफाई। और मतलब ये बोल रहा है कि ये जो करता है सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता। वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा पैसिव डिवाइस होता है वो कभी भी क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। जैसे देखिए इस डायग्राम में आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बढ़िया से पता चलेगा दोस्त। देखिए बीच में एक हब लगा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्विच की तरह ही दिखता है दोस्त, लेकिन स्विच और हब में डिफरेंस मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। बट अभी फ़िलहाल क्या है, ये हब एक स्विच की तरह ही दिखता है। तो ये देखिए ये, लेकिन हब क्या है, एक पैसिव डिवाइस है दोस्त, और स्विच क्या है, एक्टिव डिवाइस है। हब हमारा सिग्नल को बूस्ट नहीं करता है, बट स्विच क्या है, हमारे सिग्नल को बूस्ट भी कर देता है और मैनेज भी कर देता है। तो देखें स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक हमारा बीच में एक हब लगा, उसके चारों साइड 1 2 3 4 ये देखें 5 2 4 6 7 8 मतलब 8 कंप्यूटर को क्या है, एक राउंड शेप में कनेक्ट किया है। तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज अगर आप लाइन में करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी। ये हमारा क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर काउंट होगा। लिखा है ना, इन स्टार टोपोलॉजी द कंप्यूटर आर ऑल कनेक्टेड बाय द केबल टू ए सेंटर पॉइंट। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। ये देखें ये तो आपको मैं बता दिया दोस्त स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। और चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं नेक्स्ट आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है और इनका वो क्या है।
और देखिए दोस्त, इनके भी जैसे देखिए कोई भी चीज़ बना है तो उनके भी कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो स्टार टोपोलॉजी का भी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हब इन केस ऑफ कोई कारणवश ख़राब हो जाता है तो क्या है, पूरे में कनेक्शन जाने बंद हो जाते थे। उसके बाद क्या है, अगर कोई एक कंप्यूटर का केबल ब्रेक हो गया तो उस पार्टिकुलर कंप्यूटर से और भी जितने नेटवर्क में कंप्यूटर लगे हैं उनका कम्युनिकेशन यानी उन दोनों में तालमेल ख़त्म हो जाता था, डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। तो साइंस डेवलप करता गया दोस्त, जैसे कि आपको पढ़ाया मैं बस टोपोलॉजी के बारे में बताया, उनके भी डिसएडवांटेज थे। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी आया, उनके भी डिसएडवांटेज थे। अभी देखिए ये स्टार टोपोलॉजी लाया, तो धीरे धीरे करके क्या है, जैसे जैसे टेक्निक डेवलप होते गया तो फिलहाल अभी ये भी यूज लाइन में बहुत जगह होता है। लेकिन इनमें प्रॉब्लम यही है दोस्त कि अगर कोई भी केबल एक कट हो जाता है तो उस पार्टिकुलर कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर में डाटा जाना बंद हो जाता है। हब ख़राब हो गया तो क्या है, पूरा कंप्यूटर का ही नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया। बट इनके कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्त, जैसे अगर जो आप हब के थ्रू करते हैं तो इनमें डाटा स्पीड उन रिंग की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। क्यों, रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी में क्या होता था, एक सिंगल केबल के थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट होता था। तो जो मान लो फर्स्ट सेकेंड में जितना स्पीड मिलेगा तो लास्ट जो 10 नंबर का, मान लो 10 कंप्यूटर आप बस टोपोलॉजी में लगाए हैं एक सिंगल केबल के थ्रू, तो जितना स्पीड आपको एक से दूसरे वाले में मिलेगा उतना वो जो लास्ट का कंप्यूटर है उसमें नहीं मिल पाएगा दोस्त। क्योंकि ट्रैफिक में जैसे वो सब जगह डाटा को भेजता भी है, सब जगह रिसीव भी करता है, तो इससे क्या होता है उनके ट्रैफिक बढ़ जाते हैं। लेकिन हब में क्या है, अगर डाटा भेजेगा भी तो क्या होता है, इनमें डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट होता है, तकरीबन बस और रिंग टोपोलॉजी की तरह। तो आइए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्त कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है। नहीं तो आइए मैं आपको मोटा मोटी समझाए दूँ। जैसे देखें हाइब्रिड टोपोलॉजी, देखें क्या है, जैसे इनकी ये सब, ये तो मैं आपको बता दिया रिंग टोपोलॉजी का है। तो ये रिंग टोपोलॉजी मान लो एक दो तीसरा एक हब लगा के और भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए, बहुत सारे कंप्यूटर को। तो अगर ऐसा लेआउट अगर आपका लाइन में हो दोस्त तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वीडियो को होल्ड करता हूँ। ये है दोस्त हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये लिखा है ना कि द हाइब्रिड स्टार नेटवर्क है सेवरल सेंट्रल स्टार नेटवर्क पॉइंट लाइक, मतलब बोल रहा है अगर दो तीन स्टार टोपोलॉजी को मिला के उसको सेंटर में एक हब के थ्रू और कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसे लेआउट ऑफ कनेक्शन को क्या बोलेंगे दोस्त, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये देखें हाइब्रिड, इसमें बहुत से फ़ायदे भी थे, इनके भी नुकसान भी थे। जैसे इनके सब देखिए एक दो तीन स्टार टोपोलॉजी को मिला के और इनके आपस में एक हब जोड़ के इसका कनेक्शन किया। अगर मान लो ये जो कॉर्नर में देख रहे हैं राइट साइड, अगर इनका केबल ब्रेक हो जाता है तो इन पूरे से कम्युनिकेशन ठप हो जाएंगे। फिर इधर वाले से भी ब्रेक हो जाता है तो इनमें भी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, मतलब ये भी सक्सेस नहीं रहा। इनके आगे और भी टेक्नोलॉजी लाया, उनको बोलेंगे दोस्त मेश टेक्नोलॉजी, मतलब मेश टोपोलॉजी। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल अभी ये देखिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का लेआउट है। ये देखिए जैसे मैं बताया आपको पढ़ाया स्टार टोपोलॉजी, इनके एडवांटेज हैं जैसे लिखा, इनका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बताया ना कि इजी टू मॉडिफाई है न्यू कंप्यूटर टू स्टार, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आसानी से। क्यों, हब के थ्रू लगा है दोस्त, एक हब लगा दो उसके चारों साइड कंप्यूटर लगा दो, तो ये सब आसान है। इनके देखें कुछ डिसएडवांटेज भी है कि जो सेंट्रलाइज्ड है तो गुड प्लेस टू डायग्नोसिस, मतलब इसको क्या है फॉल्ट भी आसानी से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो होता है तो। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डू नॉट एक्सेस, मतलब अगर बोला ना आपको कि अगर एक कंप्यूटर का कोई बार होता है इसमें क्या है, सिंगल कंप्यूटर पे ही डाटा आउट होगा, बाकी कंप्यूटर पे डाटा आउट नहीं होगा। तो यही है इनके कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। ये देखिए ये है डिसएडवांटेज, ये क्या लिखा, इफ़ द सेंट्रल हब, इनका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त, फेल द होल नेटवर्क फेल टू ऑपरेट, मतलब बोल रहा है अगर सेंटर वाला नेटवर्क फेल हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या बताया कि एक हब होता है मिडिल में और उसके चारों साइड स्टार टाइप का कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो अगर इन केस ऑफ सेंटर वाला फेल हो जाता है यानी हब ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, आपका पूरा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, मेनी स्टार नेटवर्क रिक्वायर्ड ए डिवाइस एट द सेंटर पॉइंट टू रीब्रॉडकास्ट और स्विच नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब बोल रहा है कि मेनी स्टार नेटवर्क, मतलब इसमें क्या है बहुत से
रिक्वायर्ड है ना, जैसे केबल लगाने पड़ेंगे पूरे स्टार टाइप में, तो ज़्यादा नेटवर्क का रिक्वायर्ड है। लिखा इट कॉस्ट मोर देन, और इनमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगा दोस्तों, हब लगाने हैं पूरे, उनको केबल लगाने हैं और पूरे स्टार रूप में कनेक्ट करने हैं, तो इनका कॉस्ट भी क्या है, मतलब थोड़ा जैसे बस टोपोलॉजी हो गया उनसे ज़्यादा है दोस्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट में ले चलता हूँ मैं आपको। ये देखें रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी इच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विथ द लास्ट वन कनेक्शन टू द फर्स्ट। मतलब बोल रहा है रिंग टोपोलॉजी, मतलब जैसे देख रहे हैं कोई बच्चा जब खेलता था तो एक गोल सर्कल जैसा बना लेता था वृत्त आकार का, तो अगर मान लो कोई कंप्यूटर को आप वृत्तीय आकार में सजाते हैं रिंग के आकार में, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग आर यूज इन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क, ये क्या करता है, हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करता है। आइए नेक्स्ट में उसमें देखता हूँ। देखें ये इस प्रकार डायग्राम बना के रखा हूँ दोस्त, ये हमारा है रिंग टोपोलॉजी। मतलब अगर छः कंप्यूटर पाँच कंप्यूटर, मतलब मैं इसमें छः दिखाया हूँ, आप दस भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड अपॉन प्लेस। तो अगर आप ऐसे सर्कल के रूप में किसी भी लाइन कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, रिंग टोपोलॉजी। ये देखें, ये भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। लिखा है कि एवरी कंप्यूटर इज कनेक्ट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, मतलब हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से क्या है, जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कंप्यूटर से, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, रिंग टोपोलॉजी। आइए वीडियो लंबा हो जाएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है बाकी के जो बचे टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी के बारे में अच्छा से जानकारी दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें दोस्त। अगर मेरे से आपका मेरा वॉइस अच्छा नहीं हो या कुछ मैं पढ़ाने में आपको लगे ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा दोस्त। और मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छा से समझाने का, मेरे पास क्या है थोड़ा संसाधन की कमी है, जब हो जाएगा तो हम आपको और ही भी अच्छा तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।